हम बहुत सारे जाप करते तो हैं, कुछ न कुछ जप करते हैं, पूजा भी तो करते हैं, यहाँ बैठे भी हैं, दर्शन भी करते हैं, जहां बोलते हैं कि यहाँ जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा वहीं पहुंच जाते हैं। अपना कोई एक ठिकाना है क्या? हाँ, कभी इधर तो कभी उधर, तो इसको कहते हैं भटकती आत्माएं। क्या कहते हैं? भटकती आत्मा। भटकती आत्मा इधर उधर 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 भटकती है। आज कृष्णगिरि आए हुए भक्तों को एक दृढ़ता लानी है। क्या लाना है? दृढ़ता। कौन दृढ़ता लाएंगे? क्या दृढ़ता? आप सबकी माँ कितनी है, पिता के ऐसे बोलने में भी शर्म आ रहा है, लेकिन सवाल है इसलिए कर रहा हूं। पिता कितने हैं? एक है, एक है। अगर सब एक है तो इष्ट भी कृष्णगिरी वाली पद्मावती ही है। कौन है? कृष्णगिरी वाली पद्मावती माँ। तो ध्यान रखिए, एकाग्रता बहुत जरूरी है। और हम जो मंत्र जप करते हैं, कुछ भी करते हैं, देखो रसोई बनाने के लिए भी सिखाया जाता है। अपनी माँ बच्चे को सिखाती है, बच्ची को, अरे रोटी ऐसे बना, ऐसे बेलना है आटा, ऐसे गूंथना है, ऐसे रोटी को बराबर गोल मोल करना है। तू क्या ऐसे रोटी को टेढ़ी मेढ़ी कर रही है? बराबर देख, एक एक तरफ से रोटी मोटी हो गई, एक तरफ से पतली हो गई, तुझे रोटी बनाना नहीं आ रहा है। इतनी डांट खा के हम रोटी बनाना बहने सीखती हैं। रसोई बड़ा डांट खा के सीखना पड़ता है। बचपन में हमें क्या आता था, लेकिन माँ ने सिखाया, नाना भी। पहले तो माँ बहुत छोटे थे तो अपने इधर गांजांगों में डाल के नलाती थी, थोड़े बड़े हुए तो पास बैठा के नलाती थी, जब हम बड़े हुए अरे पानी बराबर डाल, देख साबुन यहाँ लगाया ही नहीं है, साबुन लगा ढंग से, ऐसे सिखाया। आज जो जितनी बहनें साड़ी पहन रही है, साड़ी का ये पटलियां कैसे लें, पल्ला कैसे लें, ये भी सिखाया। देखो छोटे से छोटी चीज जो सीखते हैं हम, इस दुनिया का सबसे बड़ी अगर कोई विद्या है तो ये है अध्यात्म विद्या। क्या विद्या? अध्यात्म। बाकी सब विद्या उसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि अंत में एक दिन मोक्ष जाने के लिए ये आत्मा परिभ्रमण कर रहा है, अगर ये निश्चित है तो इसका मोक्ष ही आत्मा का लक्ष्य है। जैसे चांद का लक्ष्य है शीतलता, सूर्य की लक्ष्य है तेजस तेज, पृथ्वी का लक्ष्य है लोगों को आश्रय देना, आत्मा का लक्ष्य है एक दिन मोक्ष में जाना, लक्ष्य है। लेकिन आप सोचो, आप सोचिए, आपको कभी एक मौका मिला क्या मंत्र कैसे बोलना चाहिए, ये शिक्षण लेने का मौका? साड़ी पहनने सीखी हुई मेरी बहनों, रोटी बनाने सीखी हुई मेरी बहनों, घर की सफाई करने सीखी हुई मेरी बहनों, काम काज धंधा नौकरी कर सब करने सीखी हुई बहनों, जो पूजा करते हो, जो जप करते हो, ये कैसे करना चाहिए आपने कभी सीखा है? हाँ, तो अपने मन मर्जी से कैसे आप सिद्धि प्राप्त करोगे? कैसे सिद्धि होगा बहनों? बोलो बहनों, कैसे सिद्धि होगा? अगर हजार भक्ति करने के बाद भी आपके जीवन में कोई कृपा नहीं हो रही है तो उसका कारण है कि अभ्यासहीन, प्रशिक्षणहीन नित्य क्रियाएं। तो महाराज, नित्य क्रियाओं का अभ्यास अध्यात्म में भी होना चाहिए। किसी भी ऑफिस में प्रैक्टिस नहीं हो उसको नौकरी देंगे क्या? नहीं देंगे। किसी भी ऑफिस में कौन कौन नौकरी करते हैं वो सब हाथ ऊंचा करो। क्या बिना प्रैक्टिस आपको, बिना एक्सपीरियंस आपको कोई नौकरी देगा? नहीं नहीं गुरुजी। आप अपनी मर्जी चलाओ भाई। हाँ, तू तेरी मर्जी चलाना, लेकिन हम पकार देंगे। हाँ, दे देंगे? नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। तो जो एक महीने में खाली हो जाए उस पगार के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए। तो ईश्वर की कृपा पाने अभ्यास नहीं चाहिए क्या? चाहिए। हाँ चाहिए गुरुदेव। तो आपके पास उसका क्या अभ्यास है? बोलो क्या अभ्यास है? कुछ नहीं गुरुदेव। तो आज भी मैं ऊपर बोल रहा था, देखो
ये धरती एक व्यवस्थित एक सामायिक कंपन रखती है, धरती कंप रही है निरंतर, जैसे हमारी छाती धड़क रही है ना ठक ठक ठक। ये अगर आगे पीछे हो जाए ईसीजी लें डॉक्टर और कह दें कि भाई आपका धड़कन बराबर टक 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 नहीं कर रहा है, कभी टक 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 टक, कभी ढक 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 ढक, कभी टक टक टक, कभी ढक ढक कर रहा है, उसका अर्थ क्या है? हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, गड़बड़। क्या है? गड़बड़ है, गड़बड़ है। तो मैंने कई बार कोशिश की और लोगों को बोला कि ये जाप करो, तो मैं देखता हूं कि वो लोग उस जाप को, अभी आज सुबह क्या हुआ, आप सब साधना कक्ष में थे ना, सुबह क्या हुआ, हमने बोला ओम बम बटुकाय नमः जाप करो, इतना सरल है, उसको सरलता से करना। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें जोर जरूर लगाते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं हमारा ये जोर लगाने का तरीका जो है उस मंत्र को विकृत कर देता है। क्या करता है? विकृत कर देता है। हमने बोला कि ओम बम बटुकाय नमः जाप, ओम बम बटुकाय नमः, इतना बोलना है। अब हम क्या करते हैं, आपको बोल दें तो अब मालूम पड़ेगा थोड़ी देर में आपका लय ऐसा हो जाएगा, ओम बम बटुकाय नमः, ओम बम बटुकाय नमः, ओम बम बटुकाय, या तो या में पीछे जोर लगाएंगे, नहीं तो ओम बम बटुकाय नमः, ओम बम बटुकाय नमः, ओम बम बटुकाय नमः। आप सब करते हो, जितने हो सब करते हो, आपको पता नहीं है कि अक्षर को अक्षर की तरह हम उच्चरित करें, अक्षर को अक्षर की तरह बोलें। कई लोग ओम बम बटुकाय नमः, ओम बम बटुकाय नमः, ओम, कई पेट में कुछ फंस गया हो उसको निकाल रहे हो वॉमिट करके, ओम बम बटुकाय नमः, ओम बम बटुकाय नमः। मंत्र को सरलता से बोलोगे तो रम 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 रम, बराबर कोई लाके लकड़ी रखो, मैं अभी बताता हूं मंत्र विद्या। रम बोलोगे लकड़ी को देखते हुए तो अपने आप उसमें अग्नि लग जाएगी, क्योंकि रम अग्नि बीज है, इसीलिए राम बोलते हैं, राम के नाम में महिमा इसलिए है, राम में अग्नि बीज होने के कारण राम पाप जला देते हैं, राम नाम पाप नाशक क्यों है, वो अग्नि बीज है, राम में रम है वो अग्नि बीज, अग्नि बीज आग को जलाएगा, आग में कुछ भी डालो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए मुक्तिदायक नाम में राम नाम बोलते हैं ना, वो इसलिए मुक्तिदायक है। हम कैसे करते हैं, देखो मैं इसलिए कई बार कहता हूँ, ये मिलिट्री वाले आर्मी के लोग कहीं चलते हैं तो एक साथ कैसे चलते हैं, देखो परेड होते हैं दिल्ली में, जनवरी 26 तारीख को रिपब्लिक डे होता है, अगस्त 15 को इंडिपेंडेंस डे होता है, उस समय जब ये आर्मी के लोग उधर परेड करते हैं कैसे करते हैं, एक लय में के अपने मर्जी जैसे, एक लय में, हाँ एक लय में गुरुदेव, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते हैं कि नहीं, जी जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। यही सोल्जर को जब किसी ब्रिज को क्रॉस करना होता है, किसी सेतु को पार करके जाना होता है, नीचे नदी होती है, नीचे नदी चल रही है, ऊपर ब्रिज बना होता है ना, इन सबको वो क्रॉस करके उस तरफ जाना होता है अपने मुकाम की तरह, तब इनका जो कैप्टन है वो ऑर्डर देता है कि अभी आपको लेफ्ट राइट नहीं करना। आपको शायद पता नहीं होगा इसलिए बताऊं कि इस दुनिया के किसी भी देश के मिलिट्री सोल्जरों को ब्रिज पर चलते समय लेफ्ट राइट करने की आदेश नहीं है। क्यों पता है आपको? क्योंकि अगर वो बराबर एक लय से आवाज करते, लेफ्ट राइट बराबर लय से बोलते जाएंगे तो वो ब्रिज टूट के गिर जाएगा। शब्द की ये महिमा है, लय की ये महिमा। इसलिए जब वो वहां जाते हैं तो अपनी मर्जी जैसे सब चल के जाते हैं, लेफ्ट राइट नहीं करते हैं। ये लेफ्ट राइट एक मंत्र उच्चारण का लय का साधना है, बराबर पैर को एक लय में रखना और लेफ्ट राइट करते करते चलना, ये एक लय है, समझ रहे हो? मंत्र साधना पूजा, पूजा भी करो तो बराबर एक समय में करना। मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं सुबह करूं, कभी एक घंटा बाद में करूं, आधा घंटा। भोजन बराबर टाइम पर पेट में पड़ता है, नींद बराबर टाइम पर जाके लेना पड़ता है,
लेकिन भजन पूजन का बोलो तो जैसे टाइम मिले वैसे करते हैं। इन क्रियाओं को नियमित रूप से नियमित समय से करोगे, वो नियमित समय का तरंग आपके जीवन में एक आभा मंडल लाएगा, जिस आभा मंडल में आपके पुराने जितने नकारात्मक शक्तियां हैं सब समाप्त हो जाएगी ना। ये शुभ आभा मंडल आपके जीवन में सुख शांति ले आएगा। पूजा का और बराबर समय पर करना, बराबर उच्चारण भी व्यवस्थित करना। देखो एक कंपन और तरंग मंत्रों का है। क्या है? मंत्रों का अपने आप में एक तरंग और कंपन है। निकोला टेस्ला क्या बोलता है, एनर्जी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी, ये तीनों अगर किसी में है उसी को मंत्र बीज कहते हैं, जिसमें वाइब्रेशन भी है, एनर्जी भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। उसको जब आप बराबर लय से बोलते हो तो ये कंपन दूसरे वाइब्रेशन से मिलके एक विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट होता है। हाँ, उस विस्फोट को ही मंत्र सिद्धि बोलते हैं। उस समय देवता सिद्ध हो जाते हैं। क्या होते हैं? देवता सिद्ध हो जाते हैं। योग वो नहीं कि शरीर को साधता है, योग आपके मन को भी साधता है। अगर आप सुबह सुबह कोई गाली बोल के देखो एक दिन सुबह उठ के, वो पूरा दिन आपके लिए दुखदायी बनेगा, देख लेना, कहीं ना कहीं घटना घटती रहेगी। योग शास्त्र कहता है सुबह उठ के 10 बजे तक अगर तेरे दिन को तू मिठास के साथ संभालता है तो बाकी के पूरे दिन को प्रकृति संभाल लेता है, तुझे संभालने की जरूरत नहीं। हम सुबह सुबह उठते ही चिड़चिड़ करते करते उठते, अरे जल्दी जाना है, कहाँ पड़ा है, थैली कहाँ पड़ी है, चाबी कहाँ है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। अरे वो तुझे पहले दिन देखना था कि तेरे स्कूटर में पेट्रोल है, ऑफिस जाऊंगा तो चलेगा या नहीं, मेरे चाबी कहाँ है, मेरे बैग कहाँ है, मेरा पर्स कहाँ है। सुबह उठते ही बच्चे भी, मम्मी बैग कहाँ है, मेरा स्कूल बैग नहीं दिख रहा है, मेरा पुस्तक नहीं दिख रहा है। बच्चे भी अनियंत्रित, बाप भी अनियंत्रित और माँ चिड़चिड़ करती, अरे ना इन सबको नाश्ता बना बना के थक गई है, ना इनको नाश्ता डाल के भेजो, फिर दोपहर का भोजन इनको डाल के भेजो, मैं कोई इस घर की नौकरानी हूँ जो 24 घंटा इनके लिए करती रहूँ। ये नई बोली हो, एक औरत यहाँ हो ऐसे कि भाई मैं इस घर की कोई नौकरानी आई हूँ जो जिंद रगड़ती रहूँ इनके लिए, ऐसे एक बार भी जिंदगी में बोली नहीं ऐसी एक औरत है, वो हाथ उठाए कि मैंने बोला नहीं महाराज। तेरे घर के लिए कर रही है, तेरे भले के लिए कर रही है, पड़ोसी के लिए तो कर नहीं रही है कि सामने वाले के लिए कर नहीं रही है, तो इतनी सुना के क्यों करती है। जब मुंह को बंद रख के संयमित रहेगी तो ये भी योग क्रिया में ही आता है, संयम भी योग है, सत्य भाषण भी योग है। मन में आवे जैसे झूठ बोलना, हाँ कोई ऐसे ही पूछता है, यहाँ एक दूसरे जुड़ जाते हैं आके, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, भोजन कर लिया अभी, इसने किया नहीं, सीधा कह सकते भोजन नहीं किया, अब उसको राजी रखने के लिए हाँ कर लिया कर लिया। हमारे मुंह से कितनी बार झूठ निकलती है, आप बोलो आपने कितनी बार झूठ बोला, गिनती है? नहीं गुरु, नहीं गुरु। सत्य बोलना भी योग है। आप योग को ये मत समझना कि टांग ऐसे सीधा कर लिया, हाथ ऐसे कर लिया और कोई ना कोई एक आसन कर लिया, शीर्षासन, भुजंगासन, मयूरासन, कोई ना कोई आसन कर लिया तो मैं योगी हो गया। योगी वो नहीं जो शरीर को हिलाता है, योगी हो वो है जो मन को नियंत्रित करता है, और मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखो जब भी फोन आता है, किसी से बात करते हो, अपने आप चलने लगते हो कि नहीं, इधर से उधर चलते चलते बात करने लगते हो, क्योंकि जब आपका विचार आपको हिलाने लगता है तो शरीर अपने आप हिलता है। इसलिए हमारे पतंजलि जैसे ऋषि मुनियों ने मन को वश में करने ही आसन बताए हैं, शरीर का बल बढ़ाने आसन नहीं बताया। जो आसन करेगा शरीर को नियंत्रित रखेगा, उसका मन भी नियंत्रण में रहेगा, इसीलिए आसन करना, शरीर का बल बढ़ाने के लिए आसन नहीं करना। फिर प्राणायाम, मैंने कई बार कहा है, आज तक कहता आया हूं कि आपके सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 4 बजे से 6 बजे के अंदर आपके लेफ्ट नोज से हवा निकलनी चाहिए। कौन से दिनों में?
चार से छह के अंदर देखो तो सोम बुध और शुक्रवार को आपके लेफ्ट नोज से हवा जानी, यानी आपकी ईडा काम करनी चाहिए, आपकी चंद्र नाड़ी काम करनी चाहिए। मंगलवार को मंगलवार को शनिवार को और रविवार को ये तीन दिन जीमनी तरफ की नासिका चलनी चाहिए। ये प्रकृति का नियम है। 600 करोड़ लोग भी ऐसे ही जीने के लिए बनाए गए हैं प्रकृति के द्वारा, लेकिन एक का भी श्वास ऐसे व्यवस्थित नहीं रहता। उसकी हवा कहीं जा रही है तो बुद्धि भी कहीं जाती है। गुरुवार को मैंने बताया कि गुरुवार के दिन अगर शुक्ल पक्ष है तो डाबी नासिका में जानी चाहिए, कृष्ण पक्ष है तो जीमनी नासिका में हवा जानी चाहिए। आपके हवा में आपकी तकदीर लिखी है, इसीलिए रामायण और महाभारत में देखो तो वायु पुत्र हनुमान और भीम ही दुनिया के सबसे बलवान शक्ति बने। वायु में सब कुछ है। उस वायु को बांध के कुंभक करना, रेचक करना, पूरक करना, ये प्राणायाम। मन को वश में रख के झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना। हम देखो हिंसा की तो बात क्या, मंदिर में बैठ के जगह पकड़ने के लिए ऐसे लड़ते हैं कि मां कान में हाथ रख लेती है। मंदिर ऐसा भी यूं यूं करे वही बहने लड़ने वाली है, जो यहाँ आके यूं यूं हाँ हम तो बड़ी सिद्ध साध्वियां हैं, यही औरतें लड़ने वाली है। बैठने के लिए एक दूसरे को ऐसे लड़ेगी कि पद्मावती सहदा जो ऐसे करती है ना, ऐसे करती है, तुम लोग आते हो तो ऐसे करके बैठी रहती है, ये आ गई अब लड़ने लगेगी। मन में संयम हो, सत्य बोलने के भाव हो। क्या बोलना? सत्य बोलना। कृष्णगिरी से कुछ मेरे से आशीर्वाद लेना चाहते हो तो संस्कारी होने के प्रयत्न करेंगे, ये भाव प्रार्थना करके जाओ तो भी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। मैं आपको सरल सवाल से इसको समझा सकता हूं। एक नालायक को कौन आशीर्वाद देगा, आप ही बताइए। आप बताइए, आप आशीर्वाद चाहिए क्या आपको? किस किस को आशीर्वाद चाहिए? मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कॉमनली एक सवाल पूछ रहा हूं कि एक नालायक को कौन आशीर्वाद देगा? उससे कोई बड़ा नालायक होगा वही तो देगा भाई। नालायक को कौन आशीर्वाद देगा? उससे बड़ा नालायक होगा। एक चोर को उससे बड़ा चोर ही आशीर्वाद देगा? चलो आज से और भी आगे बढ़ो, कौन आशीर्वाद देगा? हाँ, उससे बड़ा महाराज। आप ही बोलो, एक नालायक को उससे बड़ा नालायक, चलो तुम भी मेरे जैसे बनो, ऐसे आशीर्वाद कौन देगा? उससे बड़ा नालायक। एक नालायक साधु के पास आया हो, साधु बोलो कि तुम भी मेरे जैसे बनो, बन पाएगा? तो इनसे आशीर्वाद चाहते हो तो आशीर्वाद के लिए क्या क्या मांगो वह आपकी मर्जी। आशीर्वाद लेने लायक मेरा जीवन है या नहीं ये पहले देखो, उसको सुधारो, अपने आप आशीर्वाद मिलेगा। एक संत हुए हैं, संत का नाम है हेमचंद्राचार्य, आचार्य हेमचंद्र। क्या नाम? आचार्य हेमचंद्र। आज बहुत जरूरी है ये बोलना, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि कृष्णगिरी बड़े श्रद्धा से आ जाते हो, मन में दुनिया भर का स्वार्थ लालच सब लेके पहुँच जाते हो, आपके सभी कामना पूर्ण हो ये मैं भी चाहता हूँ, वो कामना पूर्ण होते होते कहीं नरक की गर्द में न गिर जाओ। आप कामना को भी पूरी करो न, स्वच्छ जगह पर अपने जीवन को मोक्ष तक ले जाओ, ये भी चिंतन करना मेरे लिए जरूरी है। बच्चा मट्टी खाता है, उसको मट्टी बहुत पसंद है, तो माँ को आके बोले मम्मी मट्टी दे दो मेरे को खाना, बहुत मजा आता है, तो माँ ले बेटा खा, बढ़िया है मट्टी खा ले, पेट में कीड़े पड़ेंगे कोई बात नहीं, तुझे पसंद है इसलिए मैं दे देती हूँ। कोई माँ देगी? नहीं देगी। थप्पड़ लगा के मट्टी हाथ से फेंकवाएगी क्या? देगी? तो आप में कितने लोग मट्टी मांगने आते हो और वो मांगा हुआ मिलेगा तो आपको क्या कीड़ा पड़ेगा ये भी मुझे मालूम है, इसलिए वो मट्टी हाथ से निकालना भी जरूरी है। मैं क्या मांग रहा हूँ ये भी उसको पता नहीं है कि ये मिट्टी है। बच्चे को समझ है क्या मिट्टी खाएं तो क्या होगा? नहीं है गुरुदेव। देखो हेमचंद्राचार्य ने सोचा मैं सरस्वती की साधना करूंगा, माँ सरस्वती प्रसन्न हो जाएगी,
तो दर्शन देगी, मुझे आशीर्वाद देगी, तो मैं बड़ा विद्वान बनूंगा। उस विद्वता से मैं धरती में बहुत सारे आध्यात्मिक श्लोक मंत्र स्तुति की रचना करूंगा, ताकि भविष्य में मानव कल्याण के लिए वो काम आए। देखो, कोई भी कुछ बोलता हो, उस बात में तत्व होना, तो उस बात के तत्व को उसका ज्ञान ही निर्धारित करता है। ज्ञान की देवी सरस्वती की साधना करने के लिए जब वो पाटन में थे, तो अचानक उन्होंने कहा, उस समय में कश्मीर, देखो आज भी कश्मीरी पंडित शारदीय पंडित कहे जाते हैं, क्योंकि सभी शक्तिपीठों में सरस्वती का पीठ कश्मीर में होता था। आज तो उसको मुसलमानों ने ध्वंस कर दिया, वहां खाली एक खंडर खड़ा है। इसीलिए भी हमको जरूरत है कि हम हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं पूरा करने के लिए जितना घूमते हैं, हमारे धर्म की रक्षा के लिए भी हमको इतना ही ध्यान देना चाहिए। आज किसी राजा महाराजा के महल आप दिखा नहीं सकते हो। विक्रम राजा का महल दिखाओ, दिखाओ विक्रम राजा का महल। लेकिन विक्रम जिस मंदिर में जाके दर्शन करता था, अवंतिका उज्जैन में, वो हरसिद्धि माँ का मंदिर आज भी है, क्योंकि व्यक्ति को मालूम है मेरा घर सिर्फ मेरे लिए है, प्रभु का घर अनंतों युगों तक लोगों का कल्याण करने के लिए है। जो ईश्वर के घर की सुरक्षा का और ईश्वर के धर्म की सुरक्षा का चिंता जो करेगा, वो मनुष्य अपने स्वजीवन का कल्याण कर लेगा। आप में किसी को धर्म की चिंता है क्या? देखो, बोलो, है क्या? कितनी चिंता है धर्म की? हाँ, पत्नी के लिए समय देते हो क्या? जितने शादीशुदा हो, पति के लिए समय देते हो? हाँ, बच्चे के लिए देते हो? घर सफाई वगैरह के लिए देते हो? हाँ, जो पूजा पाठ करो उसको धर्म मत बोलो। आपका स्वार्थ है कि ये करूं तो फायदा होगा। धर्म रक्षा के लिए कितना समय देते हो? हाथ उठाओ। मुसलमान धर्म रक्षा के लिए समय देता है, मुसलमान धर्म रक्षा के लिए समय देता है। मस्जिद में भी उसको पिस्तौल चलाने के अभ्यास सिखाए जाते हैं। हमारे बच्चों को कोई राम और ईश्वर कृष्ण का स्तोत्र तक ढंग से बोलने नहीं आता है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे कलेक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, एक अच्छा इंसान बन जाएं। हम में चिंता नहीं है मेरा बच्चा। दुनिया भर के सभी स्वार्थ हम में भरे पड़े हैं। हमारे बच्चों को क्या करने स्कूल भेजते हैं भाई? धर्म सिखाने भेज रहे हैं क्या? बोलो, नहीं गुरुदेव। क्या सिखाने भेज रहे हैं? नई पढ़ी हुई माँ अपने पढ़ते बेटे के पास बैठ के जबरदस्ती उसको पढ़ाने लगती है। ये सोचती नहीं है कि एक दिन मैं भी कब्र में जाऊंगी ना, ये भी जाएगा, तो ये मानव शरीर से करना क्या चाहिए, ये विवेक आ जाए हमने। आता है? हेमचंद्राचार्य समस्त समाज के लोगों को बुला के कहते हैं, देखो भाई, मैं कश्मीर जाना चाहता हूं। कोई फ्लाइट तो है नहीं, मैं हजारों साल पुरानी बात कह रहा हूं, कोई फ्लाइट तो है नहीं, कोई कार तो है नहीं, कोई गाड़ी तो है नहीं कि पहुंच जाए। और पाटन गुजरात से कश्मीर पैदल जाना हो तो मेरे ख्याल से पहुंच भी सके और हिमालय के उस बर्फीली पहाड़ियों के ठंड में मर भी जाए चलते चलते। तो पहले ही उन्होंने समाज के लोगों को बुला लिया, प्रणाम करके कहा कि मैं जा रहा हूँ, शायद वापस लौटूं या ना लौटूं। मेरी इच्छा है कि सरस्वती का दर्शन करके विद्वान बनूं। विद्वान बनूंगा तो धरती के लिए सर्वोत्तम कृतियों को बना के उपहार के रूप में प्रस्तुत करूंगा। अगर नहीं बनूंगा तो आज ही आप सबको मैं अलविदा कहता हूं। पाटन से निकल गए। कहां से? पाटन। कहां जाना है? कश्मीर। कश्मीर कितने किलोमीटर में है? कश्मीर 10 किलोमीटर के 20 किलोमीटर? हाँ, चार से पांच। और निकल गए। रावण के रिश्तेदार खर और दूषण, ये और पुरानी बात कह रहा हूं, त्रेता युग की। रावण के रिश्तेदार खर और दूषण दोनों ने सोचा कि विजेता बनना है हमको। क्या बनना है? विजेता बनना है। विजेता बनने के लिए हमारे पास अगर शंकर जी का दिया हुआ चंद्रहास खड़ग हो, क्या हो?
चंद्रहास खड़ग, चंद्रहास खड़ग होगा तो वो खड़ग जिसके पास होते हैं वो निश्चित विजेता होता है, उसको कोई जीत नहीं पाएगा। इसलिए वो दोनों जंगल में आके साधना करने लगे। इस साधना का नियम था 65,000 वर्ष तक साधना करना। कितने वर्ष तक? 65,000। सोचो, राक्षसों में एक चीज हम पकड़ने जैसी है, हिरण्यकश्यप को देखो, हिरण्याक्ष को देखो, बड़े बड़े राक्षसों ने, इतने बड़े राक्षस दुर्गुणी है लेकिन बैठ के तप करने में अपने आप को झोंक दिए। इससे क्या मालूम पड़ता है, आप आज किसी स्थिति में भी हो, बैठ के अगर बराबर प्रभु को रिझाने में लग जाओगे तो दुष्टों को राक्षसों को भी वरदान मिल गया, तो हमको मिलने में कौन सी देरी है। खर और दूसन को एक नियम बताया कि रोज वो चंद्रहास खड़ग आकाश से 6 फुट नीचे आएगा। कितना? 6 फुट। वो पूरा नीचे आने में 65,000 वर्ष लगेंगे। 65,000 वर्ष तक मल मूत्र का वेग रोक करके, प्यास भूख रोक करके एक जगह बैठनी पड़ेगी। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ मैका लाल के इस चंद्रहास खड़क को पकड़े, क्योंकि वो 65,000 वर्ष की साधना से मिलती है। क्या तुम कर पाओगे? खर और दूसन ने कहा कि हर हालत में हमको उसको प्राप्त करना है। दोनों बैठ गए और नैमिषारण्य में बैठ करके वो उस साधना को प्रारंभ करते हैं। 65,000 वर्ष बिता दिए। कितने? 65,000 वर्ष। एक दिन बाकी है। कितना दिन? एक दिन। अब वो खड़ग उतर उतरते आते, अब एक ही दिन बाकी है तो कितनी दूरी में रहेगी, गणित से आप बताओ। 6 फुट दूरी में, क्योंकि एक दिन में कितने फुट दूरी में आती थी? 6 फुट। हर दिन 6 फुट उतरती थी तो अगले दिन हाथ में आना हो तो अब कितनी दूरी में होगी? 6 फुट। करोड़ों सूर्यों की तरह तेजस उसमें से प्रकाश निकल रहा है, उस खड़ग तलवार से। वो सिर्फ 6 फुट ऊंचा है। दूषण कहता है अपने भाई कर को कि देखो 6 फुट ऊंचा, अभी एक दिन साधना करके क्या करना, ले लो इस तलवार को, खड़े होके यही हाथ में आ जाएगा। तो कर कहता है दूषण को, भैया हम 65,000 वर्ष बैठ गए तो एक दिन बैठ के इसको हाथ में आने दो, इसको हाथ में आने दो, हाथ में आने दो, क्यों इस तपस्या में कुछ अधूरापन रखना, बैठो एक दिन कर लेंगे, कल अपने हाथ में ही आ जाएगा ये तलवार, इसको ले जाएंगे और विजयी बनेंगे। क्या बनेंगे? विजय बनेंगे। तो बैठ के एक दिन के इंतजार में तपस्या कर रहे हैं। इधर हेमचंद्राचार्य पाटन से 1,000 किलोमीटर चलने के लिए समाज से विदाई लेके निकल गए। मन में सोच रहे हैं कि मैं कश्मीर पहुंच भी पाऊंगा, क्योंकि मैं साधु हूं, चप्पल तो पहन नहीं सकता, मैं कोई वस्तु साथ नहीं रख सकता, मैं गर्मी ठंड के लिए ऊन के वस्त्र पहन नहीं सकता, वो इतना -डिग्री ठंड में मैं चलूंगा, कहीं मेरी हड्डियां गल जाए, मेरे को कोई सिंह शेर हाथी जैसे वन्य पशु आके जंगलों में खा न जाए। फिर भी मैं सोचता हूँ कि इस धरती में शुभता लाने के लिए मेरा प्रयास जो है मुझे करना चाहिए। 12 किलोमीटर चले और रात में कहीं जाके एक जगह ठहर गए। पूरी रात में उनको यही सोच आ रहा है कि कितने वर्ष बाद मैं कश्मीर पहुँचूंगा, इतने वर्ष बाद कश्मीर पहुँच के भी सरस्वती दर्शन देगी या नहीं, अगर वो दर्शन देने तैयार है तो मैं जिंदा पहुंचूंगा कि नहीं, ऐसे सोच ही बैठे बैठे सोच रहे, नींद नहीं आ रहा है। अचानक उनके कमरे में प्रकाश हुआ। क्या हुआ? प्रकाश हुआ, भयंकर प्रकाश, अंधकार में जैसे करोड़ों सूर्य उगे हों। उनका आंख चुंधिया गया, एकदम खोल के आंख देखते हैं तो हाथ में मकर वीणा लेकर के, अक्षमाला धारण करके, हाथों में पुस्तक धारण करके, श्वेत कमलासन पर हंस वाहिनी सरस्वती देवी खड़ी है उनके साथ। और ये सरस्वती उनको देख करते हुए हेमचंद्र सूरी ऐसे नाम ले रही है, तो तुरंत उन्होंने प्रणाम करते हुए सरस्वती आपकी साधना के चिंतन विचिंतन में मैं पड़ा था कि मैं पहुंच भी पाऊंगा कश्मीर तक, आपके पीठ तक जाऊंगा, जिंदा रहूंगा कि नहीं, जिंदा भी रह के साधना करूं तो आपका दर्शन होगा कि नहीं, और आप दर्शन दे दिए, धन्य है आपको। या कुंदेन्दु तुसार हारद बलाया सुम्र वस्त्रावृता
या वीणा भरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा पूजिता सा मां पातु प्रसन्न बदना निशेष जाड्यापा जड़ता को निशेष करने वाली भगवती तुझे मेरा प्रणाम। तो सरस्वती हंसते हुए कहती है आप तो कितने बड़े ज्ञानी हो सूरीवर, और आप देवताओं के बारे में नहीं जानते हो, आप तो अच्छी तरह जानते हो। हम पूजा करने वालों को आशीर्वाद नहीं देते, योग्यता रखने वालों को आशीर्वाद देते हैं। और आप में लोक कल्याण की परोपकार भावना इतनी भरी पड़ी है, वो विचार करने वाला शरीर जो दुनिया के लिए मैं क्या कर सकूं ये सोचने वाले शरीर को इतनी दूर तक चला के मुझ तक बुलाऊं, मैं इतनी पागल नहीं हूं, मैं ज्ञान की देवी हूं, मैं आपके पास आई हूं, आपको क्या मांगना है मांग लीजिए। उसी जगह पर सरस्वती देवी ने वरदान दिया कि आप ऐसी स्तुतियां स्तोत्रों की रचना करोगे जो अमर तो होगा लेकिन इसका पठन करने वालों में प्रभु के प्रति अनुराग और निश्चित भक्ति प्रकट हो जाएगी। आज भी हेमचंद्राचार्य के एक एक कृतियों को पढ़ने वालों के आंख में अश्रुओं की धारा आ जाए, ऐसे सरस्वती के वरदान से ओत प्रोत स्तुति स्तोत्र बनाए हैं। आप कभी मौका मिले तो गूगल में हेमचंद्राचार्य कृत कई रचनाएं आप देख सकते हैं जो एक से एक अद्भुत है। और आपको बता दूं, एक मनुष्य ने सरस्वती से वरदान लिया, एक ही जन्म में करोड़ों स्तोत्रों की रचना कर दी। इसके लिए उनको कितने हजार किलोमीटर चलना पड़ा महाराज? क्या हुआ? 12 किलोमीटर। क्या हुआ? सरस्वती खुद आ गई। सरस्वती माँ, अब देखो ये खरदूषण के सामने तलवार कितने दूर में लटका है, 6 फुट। कितने वर्षों से बैठे हैं? 65,000 वर्षों से बैठे हैं। एक दिन बाकी है। इसी समय लक्ष्मण जी सीता को ढूंढते हुए, सीता माता को ढूंढते हुए उस जंगल में आ रहे हैं। लक्ष्मण जी पहले क्रोध के अवतार हैं, आदिशेष के अवतार हैं, शेषनाग के। फुंकार मारते हुए भाभी 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 करते करते चारों तरफ घूम रहे हैं। उनके नजर में खर और दूषण पड़ गए। इनके बैठने के तरीके और इनके शैली से लग गया कि राक्षस जाति के हैं। और इनको लगा कि सामने एक तलवार भी है, चेहरे में तामसिकता भी है, शरीर में राक्षसता भी है, जरूर इन दुष्टों ने भाभी को मारा होगा, पकड़ा होगा, कहीं छुपाया होगा। मन में कई विचार आ रहे हैं। इस विचार को आते ही लक्ष्मण जी ने आओ देखा न ताओ, वही चंद्रहास खड़ग जिसको 65,000 वर्ष तक तपस्या करके इन दोनों ने नीचे उतारी थी, उसको लपक के पकड़ा लक्ष्मण जी ने और उसी तलवार से इन दोनों का गर्दन उड़ाया ने अपने अंग में उस तलवार को लगा के चलते बने। एक क्षण में ये चंद्रहास खड़ग लक्ष्मण जी को हो गया। अब बोलो लक्ष्मण जी ने कितनी साधना की, खरदूषण ने कितनी की? तो आज हाथ जोड़ के आप सबको निवेदन करता हूं, मेरे बच्चे बच्चियां समझ के निवेदन करता हूं, आपकी पूजा तपस्या कितनी है वो मत देखना, आपकी योग्यता कितनी है उसको पाने की ये देखना। आपकी पूजा तपस्या के पीछे मत पड़ना। हम संतों ने, मैंने ऐसे ही जीवन चलाया। मैं जब छोटा था साधना शुरू किया, एक गुरु माता में भी पद्मावती दिखने लगी। मैं हाथ जोड़ के बोला संत वो नहीं कि जंगल में जाके बैठ जाए, कहीं बैठ जाए, तू कहीं भी बैठ, तेरे मन में जो विचार आता है वो मायना रखता है, क्योंकि जंगल में भी बैठा रहेगा, मन में पत्नी का विचार आएगा तो जरूर शरीर में विकार उत्पन्न होगा। वो पास में भी रहेगी ना, वो माँ दिखेगी तो तू निर्विकार हो जाएगा उस समय। तो पत्नी को भगाना कोई साधु का कर्म नहीं है, पत्नी को ही मन से निकाल देना ही साधु का कर्म है। वो मन से निकलना चाहिए। कितने लोगों के जीवन से तो रिश्ते निकल गए लेकिन वो रिश्ते मन में फंसे रहते, जीवन से ही निकले हुए मन में नहीं है वो रिश्ते, तो मन में फंसे हुए। अरे वो होती तो कैसे खिलाती, वो होती तो कैसे होता,
और मन से निकल जाएं वो सारे। आपको भी यही बता रहा हूं, हेमचंद्राचार्य कश्मीर जाने निकले और क्षण मात्र के विचार के पहले ही सरस्वती आकर्षित हो गई, तो उनके संस्कार और सद्गुण का वो आकर्षण है, लक्ष्मण जी की योग्यता का वो आकर्षण है। खरदूषण ने 65,000 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन हाथ में कुछ तो आया नहीं, जाने दो प्राण भी गंवाना पड़ा। आपको कोई दुख हो रहा है, पूजा पाठ बाद में करना, मैं साधु बन के बोल रहा हूं, ऐसे मत सोचना कि साधु पूजा बाद में करना बोलते एक ऐसे साधु है, क्योंकि हमारे इस दुनिया में सनातन शास्त्र कहते हैं पूजा करने वाले के पास सामग्री में न्यूनाधिक हो तो चलेगा, संस्कार और योग्यता में न्यूनाधिक नहीं चलेगा, वो पूरा होना पड़ेगा। कितने लोग माँ बहन की गाली देते हो, पहले आज यही तय करके जाओ, माँ तेरे पास आया हूं और किसी को बोलूं कि तेरी माँ, तो फिर मैं क्या माँ का भगत हूं? अगर मैं माँ के पास आया हूं, आज से माँ की गाली छोड़ूं तब माँ का भगत बनूंगा। तूने धरती बनाई है, तू धरती बनाने वाली है, तुझे जगत जननी बोलता हूं मैं। कितने लोग इसको जगत जननी मानते हो, यानी ये जगत को जन्म देने वाली है, सही है? अगर ये जगत को जन्म देने वाली है तो जगत में जितने जीव हैं किसके जन्म दिए हुए हैं? माँ के। तो माँ के जन्म दिए सभी जीव क्या बन जाते हैं रिश्ते में? अगर इसी ने मुझे भी जन्म दिया है, बकरी गाय को भी जन्म दिया है, अगर जन्म देने वाली एक ही है तो वो प्राणी का रिश्ता क्या? जन्म देने वाली एक ही है तो वो प्राणियों में रिश्ता क्या होगा? भाई बहन, तो जितने लोग ये बकरी गाय मछली अंडा खाते हो ना, या तो आज से इसको माँ बोलना बंद कर दो। अगर ये दुनिया की माँ है तो वो भी बच्चे इसी के हैं, उसकी रक्षा करना सीखो, ये उसी के बच्चे हैं। जो इसको माँ मानता है साकारी होगा, सत्यवादी होगा, अहिंसक होगा, मन में प्रेम होगा, जगह या नहीं मिले ना धक्का मार के गाली दे के घुसने की कोशिश नहीं करेगा, उसको मालूम है कि अंदर जो प्रतिमा के रूप में बैठी है मैं शांति रखूंगा, बाहर भी बैठ जाऊंगा तो मेरी योग्यता देख के वो बाहर आ जाएगी दर्शन देने, मुझे अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और धक्का मार के झगड़ा करके आगे आ भी जाऊं और वो नाराज हो गई तो वो अंदर होते हुए भी अंतर्धान हो जाएगी, दिखेगी नहीं मुझे। तो जो मिलेगा वो योग्यता से मिलेगा, वो योग्यता को योग कहते हैं, योग यानी कुछ नहीं, उस योग्यता को प्राप्त करना जिससे हम मोक्ष में जाने के अधिकारी बन सकें, उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ सके, जुड़ना, जुड़ने के धातु को योग कहते हैं। किसको? जुड़ने के धातु को। तो इतनी बात मैं कह के आप अपनी योग्यता जरूर बढ़ाना, आपकी योग्यता से जो कितना भी समझाओ भाई, देखो गधे के सामने बीन बजाने से वो क्या फण निकाल के नाचने वाला है? तो मेरे को कई बार मेरी माँ कहती है कि इनके सामने भव भव करता ये कौन से सुधरने वाले हैं, लेकिन दिल की दया मेरी ये सोचती है कि कुछ कह के देखे शायद इसमें एक सुधर गया तो भी मेरा कहना सार्थक हो जाएगा। कितने? एक। हाँ, एक एक भी सुधरते जाए तो कितना ही कहना। एक आदमी भी वर्ष में 6 बकरी काटता है तो वो अपने जीवन में करीब 600 बकरी काट लेता है, एक सुधरेगा तो भी 600 बकरियों को अभय मिलेगा, मैं ये सोचता हूँ। एक सुधरेगा, क्योंकि आप 3600 कोम कृष्णगिरी आते हो, कृष्णगिरी की ये महिमा है कि यहाँ की पद्मावती और यहाँ के गुरु दोनों आपको अच्छे लगते हैं, तो अच्छों को अच्छे लगने तक मत रखो, उनकी बातों को भी अच्छा है ये सोच के पाने की कोशिश करो। खाली मैं अच्छा लगूं मेरा फायदा उठाओ चलेगा नहीं, मेरे शब्द भी आपको अच्छे लगने चाहिए। मुझे गुरु अच्छे लगते हैं लेकिन गुरु की वाणी अच्छी नहीं लगती है, ये मूर्ख है। हमारे शब्दों को पकड़ के चलो, आपके जीवन में कल्याण होगा। आज आपको भी ज्ञान मिल गया, योग दिवस पर मेरा संदेश भी पहुंच गया।
दुनिया को योग दिवस पर यही कहना चाहता हूं कि ये जितने मंत्रियों संतरियों ये हाथ पैर उठा के पोस्ट देते हैं फोटो में, पहले इनको बंद करवाना चाहिए, क्योंकि ये एक योग दिवस की गलत धारणा लोगों में बैठा रहे कि एक्सरसाइज करना योग है। ये गलत धारणा लोगों में बैठा रहे हैं, और एक्सरसाइज करने वाली स्वार्थी वर्ग बढ़ती जा रही है। शुगर है, एक्सरसाइज कर लो। बीपी है, एक्सरसाइज कर लो। बॉडी बिल्ड करना है, एक्सरसाइज कर लो। शरीर की चिंता से योग शुरू नहीं हुआ है, आत्मा की चिंता से योग शुरू हुआ। योग शरीर की चिंता से शुरू नहीं हुआ। तो ऐसे योग दिवस की आप सबको भी शुभकामना देता हूं, जिसका असली योग अर्थ हो, जिसका अर्थ असली हो, जिसका तत्व असली हो, जिसका तात्पर्य असली हो। अब हम पूजन शुरू करें। क्या पूजन? क्या पूजन? बृहत शांति स्नात्र। किस किस को शांति चाहिए? सभी को चाहिए गुरुदेव। हाँ, देखो ये जितने योगी हुए हैं ना, इनमें एक विशेषता है। क्या है विशेषता? विशेषता ये है कि वो जन्म लेने के लिए पेट में आए ना, तभी ये योगियों में वो योग शक्ति काम करने लग गई। क्या काम करने? योग शक्ति। अचिरा नाम की एक स्त्री थी। क्या नाम? अचिरा। रानी थी। क्या थी? रानी। रानी की महिमा क्या कहें भाई, बड़ी रानी है। उसके अपने पति राजा हैं, चक्रवर्ती हैं। चक्रवर्ती तो छठ खंड के अधिपति होते हैं, लेकिन उनके नियंत्रण में होते हुए भी एक बार ऐसे दावानल भड़का के पूरे षडखंडों में आग लग के सब जगह संपूर्ण आग से चीजें जल जल के धू धू होने लगी। मकाने जलने लगी, वन जलने लगे, पेड़ जलने लगे, पौधे जलने लगे। बहुत प्रयत्न करके भी आग को रोक नहीं पाए। क्या नहीं कर पाए? रोक नहीं पाए आपको। आग को रोक नहीं पाए। जैसे नवनाथ हुए हैं ना, नाथ संप्रदाय में नवनाथ हुए हैं कि नहीं, वैसे ये योगी 24 होते हैं। हर एक समय में 24 नियमित 24 होते हैं। इन योगियों में ये अचिरा माता तब गर्भिणी थी। क्या थी? गर्भिणी। इसको लगा कि 6 खंड में, 6 देश की बात नहीं कह रहा हूं, 6 खंड में आग मारी लगी हुई है। ये महामारी से बीमारी भी लग गई लोगों को, कभी आग लगी, कहीं रोग लगा, कहीं कष्ट हुआ। वो दया के मारे सोचती है कि ये मेरी प्रजा है, मैं रानी हूं, मेरा कर्तव्य है मेरे प्रजा की रक्षा करूं, लेकिन मैं कैसे करूंगी, ऐसा सोच के दुखी हो रही है। लेकिन आपके घर में कहीं आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो आप ये थोड़ा पानी ले जाके डालोगे कि नहीं? डालेंगे। ये बच्चे की तरह सोचती हुई, बचपने बालकपने की बुद्धि से ये अचिरा देवी क्या की, थोड़ा सा मुट्ठी भर के जल ली, और उस जल को लेके पूरे दूर दूर तक दिखने वाले रोगियों के कष्ट निवारण की प्रार्थना करते हुए, आग का शमन होने की प्रार्थना करते हुए, ऐसे पानी लेके ऐसे डाली मुट्ठी भर की पानी, और देखो तो एक क्षण में कोई जादू हुआ, जैसे दूर दूर तक सभी देशों में आग अपने आप बुझ गया ना, रोग अपने आप शांत हो गया। राजा को आश्चर्य हुआ कि महीनों से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, महीनों से रोग निवारण की दवाई लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ठीक नहीं हुआ। इतने मुट्ठी भर पानी से कोई ठीक हो सकता है? ज्योतिषियों को पूछा राजा ने कि ये कैसे हुआ। ज्योतिषियों ने प्रश्न कुंडली बनाई। क्या बनाई? प्रश्न कुंडली। 2 कुंडलियां होती है, एक आपकी जन्म कुंडली, जन्म समय के हिसाब से आपके आज के तारीख की स्थिति बताना जन्म कुंडली। प्रश्न कुंडली आने जो सवाल किया जाता है उस समय के लग्न के अनुसार जवाब दिया जाता हो, यह प्रश्न कुंडली। राजा ने प्रश्न किया ज्योतिषों को कि कल रानी ने मुट्ठी भर पानी लेके उछाला और पूरे 6 खंडों में रोग अग्नि दुख सब शमन हो गए, कैसे हो सकता है? ज्योतिषियों ने कुंडली बना के देखा तो उन्होंने कहा, राजन इस कुंडली के हिसाब से जरूर ये भगवती अचिरा देवी गर्भिणी है। क्या है? गर्भिणी। कुंडली बता रही है कि वो गर्भिणी है। क्या है? गर्भिणी। इसके पेट में ऐसे महायोगी आए हैं, उस महायोगी के कहीं भी आने मात्र से पूरी धरती में शांति हो जाएगी, अशांति रहेगी नहीं। क्या हो जाएगी? पूरी धरती पे शांति हो जाएगी। तो
तो जब गर्भ पूरा हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, 12वें दिन नामकरण का संस्कार का दिन आया, तो नामकरण करने के समय राजा चक्रवर्ती ने अचिरा देवी के पुत्र को गोद में, यानी अपने पुत्र को राजा गोद में लेते कहे, जिस बालक के आने से पूरे रोग अग्नि का शमन होके शांति हुआ, इस बालक का नाम मैं शांति कुमार रखता हूँ। क्या नाम रखता हूँ? शांति कुमार। और वो जहां जहां जाने लगे वहां सब स्वतः ही चमत्कार होने लगा, हर जगह शांति होने लगी। योगियों में श्रेष्ठ योगी के रूप में ये शांति कुमार आज भी शास्त्रों में, जिनको भी अशांति हो, हम एक ही चाहते हैं गुरुदेव, सब चीज बाद में आए, पहले मेरे घर में शांति का आशीर्वाद। तो ये शांति आपको पता नहीं है कि क्या पूजा चल रही है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। बाद में उन्होंने, शांति कुमार ने अपना चक्रवर्ती पद छोड़ के, वो इतना बड़ा छह देश नहीं बोल रहा हूँ, आसियाई, यूरोपियाई, ग्रीस, अफ्रीकन, जैसे छह खंड की पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती थे वो। एक क्षण में अपने चक्रवर्ती पद को ठुकरा दिया और सन्यासी बन गए, साधु बन गए। उनको पूछा कि आप क्यों साधु बन रहे हो? वो बोले, मैं चक्रवर्ती बन के इन पर राज करना नहीं चाहता, साधु बन के इनको संस्कार देना चाहता हूँ सबको। जब वो चक्रवर्ती से साधु बन गए, उनका नाम नाथ संप्रदाय में जैसे होता ना मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, वैसे इनका नाम भी हो गया शांतिनाथ। क्या हो गया? शांतिनाथ। तो ये शांतिनाथ का स्मरण जहां भी होता है उधर निश्चित चमत्कारिक शांति हो जाती है, इसलिए शास्त्र जानने वाले शांतिनाथ शांतिनाथ ऐसे जाप करते हैं तो शांति हो जाती है। अब जो पूजा हो रही है उस पूजा में अंग बैठे है ना अंदर भगवान, वो शांतिनाथ जी की ही हम पूजा कर रहे हैं। किन की पूजा कर रहे हैं? शांतिनाथ जी। क्या आएगी? शांति। किस किस को चाहिए शांति? सभी को चाहिए गुरु भगवान। तो इसलिए थोड़ा सा संक्षिप्त बता दिया कि क्यों हम ये शांति पूजा, भाई आप शांति पूजा तो कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जिनके जन्म लेने के पहले गर्भ में थे तभी छहों खंडों की रोग मारी अग्नि शमन होके परम शांति प्राप्त हो गई हो, तो वो स्वतः ही उनका नाम लो तो क्या नहीं हो जाए, उनके नाम से क्या नहीं आ जाए। आज घर जाने के बाद आपको खूब शांति महसूस हो घर के सभी, कल कितनी बहनों ने अनुभव बताया, एक बहन उठ के कल कैसे कही, मेरे घर में इतनी अशांति थी कि रोज लड़ाई होते थे, जैसे ही कृष्णगिरी आई और अब मेरे घर में शांति शांति है। कल किसने बोला? खड़ी होके बोली ना बहन ने। तो आपके घर में भी ऐसी शांति महसूस हो जाए तो आप समझ लेना ये शांतिनाथ की ही कृपा आप पर। किसकी कृपा हो गई? शांतिनाथ भगवान की। हाँ, ऐसी शांतिनाथ की पूजा करके उस जल को, जो अभिषेक हो रहा ना, अभी बोलू तो मारा मारी करके सब तोड़ दें इस जगह को, सब उतल पुतल कर दें, इसलिए कुछ बोलना ही ठीक नहीं है। फिर भी कहता हूं कि इस जल को जो सिर पर छांट लेता है तो उसके शरीर में जो उपद्रव करने वाले जितने तत्व होते हैं, कर्म होते हैं, सब शमन होके शांति आने लगती है उसके जीवन में। ये शांति देने वाली शक्ति है। क्या देने वाली? चलो अब इनकी भक्ति से, मैं बहुत देर बोलूं तो मैं तो बोलता जाऊं, लेकिन जरूरी आज ये है कि हमारे में शांति आ जाए, जीवन में शांति आ जाए। क्या आ जाए? शांति आ जाए। पूरा पूजन होने के बाद छटकाओ, पहले नहीं आ जाए। पूरा पूजन होने के बाद भी शांति से कहां छटकाएगी ये? पूर्व जन्म की शूर्पणखाओं की रिश्तेदारिणियां हैं, कहीं ना कहीं एक झगड़ा पट्टी, ये सब मेरे को डर लगे कि कहीं ये ग्रिल तोड़ दें, कि पाटा तोड़ दें, कि इन सबको धक्का मार दें, कि किसको क्या कर दें। मुझे चाहिए पानी, उसके लिए मैं बनूंगी रानी। हाँ, सत्य वचन गुरुदेव। इसलिए उस पानी को जैसे ही पूरा होता है, मैं कुलदीप विधिकारक को आदेश देता हूँ कि पानी पूरा होते ही अपने शिष्यों को, भक्तों को छोड़ के उसको बाहर भेज दो,
हाँ गुरुदेव कहाँ भेज देना बाहर भेज देंगे गुरुदेव एकदम खुले में बाहर भेज देना वहां लाइन लगा देना क्या करें लाइन लगा देना जिसको पानी चाहिए उनको पानी दे दिया छांट दिया जाए एक व्यक्ति खड़े हो अपने तरफ से उसको छांट के भेज बस यही अच्छा है नहीं तो ये तीर्थ को वापस वापस बनाना आपसे मांगना भगवान ये काम मेरे से मत कराना ये घड़ी घड़ी कोई तोड़ा कांच कोई फोड़ी करी ये सब देखो दिखने में देखो ये जो खाली फूल लटक रहे हैं तीन दिन में कुंभल गए कि नहीं कल तो फेंकना पड़ेगा वो 2 लाख ये खीर ये तोरण का 2 लाख लेके गया है कितना 2 लाख हाँ 2 लाख के फूल 3 दिन में कुंभल जाएंगे वो 2 लाख लेने के लिए कोई 500 रुपया दे रहा कोई 1000 रुपया दे रहा आए हुए सब रखने तब 2 लाख इकट्ठा होता है ना 2 दिन में वो फूल बन के बाहर फेंका जाता है कितने खर्चे हैं क्या क्या खर्चे आप ही देखो तो मालूम पड़ेगा इतना लफड़ा है हाँ कई बहनों तो बोल रही है कि यही रह जाए क्या महाराज क्यों भाई क्या बात है आदमी भी कहता है यही रह जाऊँ क्या क्यों रे भाई नहीं पत्नी के हाथ से इतना बढ़िया भोजन मिलता नहीं है महाराज यही आनंद से रह जाए यही जिंदगी निकल जाएगी हमारी तेरी तो जिंदगी निकल जाएगी मेरी जिंदगी कैसे निकलेगी ये देखना चलो अभी हम पूजन शुरू करें पूजन होने के बाद एक शांति विधान जो हरदम होता है ना यहाँ देखा आपने शांति विधान कल भी हुआ परसों भी हुआ वो शांति विधान यही शांतिनाथ भगवान के नाम से होता है आपके घर में कभी कोई भी अशांति हो हे शांतिनाथ प्रभु शांति दो जिनके गर्भ में आने से ही शांति होने के कारण उनका नाम कारण नाम है ऐसे आप लोग आजकल नाम रखते हो ऐसे नहीं रखा उनका जीवन ही शांति देने के लिए हुआ इसलिए उनका नाम ही शांति रख दिया क्या रख दिया शांति तो ऐसे शांतिनाथ का नाम ले लोगे आपके घर में कभी अशांति नहीं हो सकती इसकी गारंटी में गारंटी लेके चलता हूं मैं इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं किसको मेरी गारंटी चाहिए ले लो मेरे से गारंटी